कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। कुल हो गया है जिसका दीवाना, वो दिल की महफिल में है, लेकिन भला ये कैसे कहूँ, दिल मेरा मुश्किल में है। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल टूट जाए, जो पल में टूट जाए, मैं सो सपना नहीं। हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता मोहब्बत भी क्या ब्यूटीफुल फीलिंग है ना। लेकिन आपने देखिए कि पाकिस्तानी म्यूजिक एंड लिरिक्स, अगर आप जो एक्चुअल जिस तरह गाने हैं, सो ब्यूटीफुल, खूबसूरत इनकी। यार मैं जब भी सुनता हूँ ख्वाजा खुर्शीद अनवर का वो जो गाना ना, सरहद का चांद तू जब भी मुस्कुराता है, दिल मेरा डूब डूब जाता है। मैडम नूरजहां एंड मेहदी हसन साहब, इट्स एन अनबिलीवेबल सॉन्ग। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आज ये गाना यूट्यूब पे जाएं और उसको देखें, उसको सुनें। चांद तू जब भी मुस्कुराता है, दिल मेरा डूब डूब जाता है। उर्दू शायरी, इट्स वेरी डीप, इट इज, इट इज वेरी वेरी डीप, वेरी रोमांटिक। और फिर जो सूफियाना टच है, जो स्पिरिट है, जो नेचुरल एक फीलिंग्स है, वो डेफिनेटली इट्स सो भाई। मैं इवन पॉप सिंगिंग के बारे में बताता हूँ कि जब आलमगीर साहब आए थे तो हमने उनका ट्रिब्यूट किया, तो उससे अंदर एक गाना था ये शाम और तेरा नाम, तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तो उसमें एक गाना था, इसको इधर उस पे लीजिएगा। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं। अच्छा आपने रिदम दे दिया, मैं सोच रहा था बगैर रिदम के, अब ले ले। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती है, मैं इन पर गीत लिखूंगा। शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम बात की ना, शायरी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और फिर जो एक रूहानी टच है हमारे सूफी कलाम की, और फिर जो एक रोमांस है,
इट्स सो अमेजिंग, आपका टोटली मूड चेंज करके रख देती है। इवन आपने फील किया होगा अगर आप लोग कभी बहुत पूरा दिन डिप्रेस हैं या कोई मसला उलझा हुआ है, आप सिनेमा में जाके एक फिल्म देखें या कोई पुरानी फिल्म निकालें या कोई कवाली सुन लें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। म्यूजिक से आप खुद को रिलेट कर रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन हमने अभी एक गेम आपके साथ खेलनी है बहुत मजे की, लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं फिर, और बहुत मजे की गेम है, बहुत मजे की है। अभी तक वो ही है ना, मैं छोटी उड़ा देखी नहीं सकती अगर। हेलो हेलो हेलो, ईद मुबारक। कौन बात कर रही है? मैं शैला बात कर रही हूँ। शैला कैसी आप, कैसी ईद गुजारी आपकी? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी ईद गुजारी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जी साहिल भाई, ईद मुबारक। शैला हाउ आर यू, कैसी हैं आप? जी फाइन, और शर्मिला भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, आपने गाना बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया। अन्ना आपने मिस्टर बीन की तारीफ नहीं की, नाराज हो गए हैं। मिस्टर बीन भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं भाई, वो कह रहे हैं ये कोई बात नहीं, साहिर के बाद तारीफ की गई है। नहीं नहीं, साहिर भाई की तो पहले की जाएगी ना, मिस्टर बीन की भी की है। देखा मिस्टर बीन, अब क्या करें। अब आप साहिर को से इंस्पिरेशन हासिल कर ले। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत मजेदार एक गेम है मेरे पास, वो हम खेलेंगे। लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए रौनक ए ईद।